में चाइना विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। अगर हम पिछले हफ्ते के इलेक्शंस को देखें तो लगेगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। दो इलेक्शंस थे, दो कमीशंस में, और चार सीटें थी। एक था कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, और दूसरा था स्टेटिस्टिकल कमीशन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सारे स्टैंडर्ड्स सेट करता है। चाइना हारे और इंडिया, जापान, अफगानिस्तान और समोआ जीत गए, ये चार सीटें। तो ये क्या हो रहा है? इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि जो दुनिया में देशों की जो राय है चाइना के बारे में वो बदल रही है। पहले या तो चाइना से डरते थे, या चाइना उन्हें बहुत डेवलपमेंट एड देता था, या जो भी है। अब जो है देशों में राय ये है कि चाइना का जो बिहेवियर है, चाहे आप देखें इंडिया के अगेंस्ट, चाहे आप देखें वियतनाम के अगेंस्ट, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और इन छोटे छोटे तरीकों से वो चाइना को जाहिर कर रहे हैं कि वो पसंद नहीं करते हैं उनका ये बिहेवियर। चाइना सोचते हैं कि अब उनका दिन है, पूरे संसार में अब उनका एक ये मौका आ गया है, उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। पर स्मॉल मैसेज टू चाइना, बाकी सरकारें, बाकी देश ऐसा नहीं सोचते। सीमा सिरोही, वॉशिंगटन DC में।